वाले अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के मॉडल का अवलोकन करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। उस संस्थान के मॉडल का अवलोकन किया जाएगा जो संस्थान प्रदेश में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए वरदान सिद्ध होगा। हिमाचल प्रदेश निरंतर विकास के पथ पर अग्रसर है। चार महत्वाकांक्षी कार्यक्रमों के शिलान्यास और उद्घाटन के लिए हमारे बीच देश के प्रधानमंत्री इस समय उपस्थित हैं। ऐतिहासिक, धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को अपने में समेटे हिमाचल प्रदेश की खूबसूरत जिला बिलासपुर में गोविंद सागर के तट पर निर्मित इस सभागार में माननीय प्रधानमंत्री जी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। मेरा आग्रह है माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश आदरणीय श्री वीरभद्र सिंह जी से कि वे माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी को हिमाचल की परंपरा के मुताबिक सम्मानित करने की कृपा करें। हिमाचल की ये टोपी, शॉल, ये हमारी परंपराओं का एक हिस्सा। धन्यवाद महोदय। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी द्वारा थंका पेंटिंग भी प्रस्तुत की जानी है। ये भेंट की जा रही है थंका पेंटिंग जो बौद्ध धर्म से संबंधित है। धन्यवाद महोदय। माननीय महोदय, आज के सभी महत्वाकांक्षी कार्यक्रमों पर आपकी नज़र एक लघु वृत्तचित्र यहाँ से प्रस्तुत किया जा रहा है। कंटिन्यूइंग द ट्रेडिशन ऑफ वर्ल्ड क्लास पेशेंट केयर, कटिंग एज रिसर्च एंड एजुकेशन,
A new All India Institute of Medical Sciences, AIIMS, has been proposed at Bilaspur, Himachal Pradesh by the Government of India under the Pradhan Mantri Swasthya Suraksha Yojana. Located in Bilaspur, the design for the campus focuses on being sustainable, contextually sensitive and responsive to the vernacular architecture, local culture and environment using concept of flexibility, modularity and expandability. The design will be able to accommodate the growing demands of the future with walkability as a major design strategy. Entire campus has been emphasized with a network of well-connected shaded pathways. The main component of the campus is the medical zone with a 750 beds hospital and standalone outpatient department only. The design follows the best practices of evidence-based design, which will have a direct positive and measurable impact on welfare of the various use of growth. The medical campus is connected to the academic quad with Grand Bull of Arts that's run across the side as the primary green circulation smart. The design of the academic quad aims to generate active learning environments by creating student-centric and technology-oriented. The academic quad leads way to the residential community with living quarters for faculty, nursing staff and hostel accommodation for 1400 students including undergraduate and postgraduate along with the mandates like faculty club, student recognition center, community halls and shopping facilities. The design reinstates AIIMS ternity goals of medical education, research and patient care, retaining AIIMS as India's apex medical science and university. हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में स्थित कंद्रूरी में स्टील प्रोसेसिंग यूनिट क्षेत्र के लिए एक नई शुरुआत है। प्रगति की डगर पर हिमाचल प्रदेश का सबसे पहला स्टील प्लांट कंद्रूरी की तस्वीर बदलने जा रहा है। जाहिर है कंद्रूरी में एक आधुनिक स्टील प्रोसेसिंग यूनिट के आने से जहां नौकरियों के अनेक नए अवसर पैदा होंगे, वहीं तमाम सुविधाएं भी बढ़ेंगी। इससे यहां के युवकों को रोजगार मिलेगा, क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। सालाना 1,00,000 टन सरिया बनाने की क्षमता वाली इस यूनिट पर करीब 70 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है। ये संभव होने जा रहा है देश की सबसे बड़ी स्टील बनाने वाली कंपनी सेल यानी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की वजह से। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने इस यूनिट को जल्द से जल्द चालू करने का प्रयास किया। 2014 में भारत सरकार के इस्पात मंत्रालय ने बीड़ा उठाया कि ऐसी जनहितैषी और क्षेत्र के लिए लाभकारी अनोखी पहल को जनता तक ले जाना है। परिणाम ये हुआ कि मिशन मोड में सभी कार्रवाई की गई, निर्णय लिए गए, उनको द्रुत गति से लागू किया गया और यूनिट को शुरू करने का काम जोर शोर से होने लगा। आज इस्पात मंत्रालय के लिए, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के लिए ये एक ऐतिहासिक अवसर है जब जनप्रिय, दूरदर्शी और आधुनिक सोच के पक्षधर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से इस यूनिट का उद्घाटन हो रहा है। इस आधुनिक स्टील प्लांट के साथ कंद्रूरी का संपूर्ण विकास भी होगा। कंद्रूरी की तस्वीर भी बदलेगी और तकदीर भी बदलेगी, क्योंकि से जिंदगी भी संवारता है। आने वाले वर्षों में ये यूनिट इस क्षेत्र में खुशहाली, विकास और समृद्धि लाएगी और हम मेक इन स्टील फॉर मेक इन इंडिया की दिशा में एक और कदम आगे बढ़ेंगे। जय हिमाचल, जय भारत। पांच महीने का नंबर ही नहीं आता पेशेंट को, वहां के अटेंडेंट भी वहां सफोकेशन से जो है सो वो आधे मरीज हो जाते हैं। 20 दिन लग गया डॉक्टर को तलाश करने में। ये जांच वो लाइन हम हो गए पागल। देखो आसमान में खिलकर सूरज निकल रहा है, देश का परचम अब
ऊंचा उड़ रहा है, बरसों का नेरा रोशन हो रहा है, गरीब की रसोई से धुआं हट रहा है, मेरा देश मेरा देश मेरा देश, मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है, मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है। धन्यवाद। माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी से मेरा विनम्र निवेदन है कि कृपया अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान बिलासपुर का शिलान्यास करने की अनुकंपा करें। और साथ ही मेरा निवेदन रहेगा महामहिम राज्यपाल, माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हिमाचल प्रदेश सरकार, सांसद लोकसभा हमीरपुर क्षेत्र और मान्य विधायक श्री नैना देवी जी से कि वे भी इस मौके पर उपस्थित रहें। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत बनने वाले इस संस्थान से प्रदेश के लोगों को उच्च स्तरीय स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी और देश के युवाओं को स्वास्थ्य शिक्षा प्राप्त करने के व्यापक अवसर भी प्राप्त होंगे। धन्यवाद महोदय। ये संस्थान सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र के आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ करेगा। माननीय महोदय, इस समय हिमाचल प्रदेश के जिला कांगड़ा के कंदरौरी में बने स्टील प्रोसेसिंग यूनिट सेल का लोकार्पण करने जा रहे हैं। यह यूनिट क्षेत्र की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने और युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने में सहायक सिद्ध होगा। इसी क्रम में देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा टाटा डिजिटल नर्व सेंटर का शुभारंभ भी किया जाना है। प्रधानमंत्री जी के डिजिटल इंडिया स्वप्न को पूरा करने की ही दिशा में एक और कदम, जिसके तहत टाटा ट्रस्ट की ये पहल देश के कोने कोने में उच्च स्तरीय स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने में सहायक सिद्ध होंगे। महर्षि व्यास की तपोभूमि होने का गौरव प्राप्त जिला बिलासपुर में हिमाचल प्रदेश के लिए मिली ये सौगातें प्रदेश की प्रगति में मील पत्थर साबित होंगी, जिसके लिए प्रदेश की जनता की ओर से माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी का तहे दिल से धन्यवाद है। शुक्रिया, बहुत बहुत आभार महोदय, धन्यवाद।